भाई भाई लोगों का अभी परिंदा जो है वो गुम हो गया है, वो भी अपने पकड़ रहे हैं वहाँ पे, वो न पेड़ में दे, पेड़ में दे। ओए शाबाश शाबाश शाबाश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोहेल रजी व्लॉग्स। दोस्तों यार बैड न्यूज़ बताता हूँ, सबसे बैड न्यूज़ यार जो भी मैं शौक कर रहा हूँ वो शौक मेरा ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहा यार। अभी जो एक मेरा बहुत ही अच्छा मैंने शौक से मैंने परिंदे लाए थे उसमें से भी एक परिंदा भाग गया। जैसे कि आपको पता है यार मेरी ये बजीज है, मैं इनको पालता हूँ, तो इनमें से एक ग्रीन तोता जो है वो आज यहाँ से पिंजरे से फरार हो गया, भाग चुका है। तो भाई वो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे भाग गए, तो यार जो है अम्मी जान से पूछते हैं और अम्मी जान बताएंगी कि कैसे भागा और जो है मतलब कहाँ चला गया। अम्मी जान, आपने उसको देखा कि पीछे से उड़ा है या आगे से उड़ा है, आपको पता है? नहीं, आपको ये पता है कि यहाँ से गया है या गैलरी से? यहाँ से गए। तो यार मम्मा कह रही कि सुबह को जो है ना मम्मा सफाई कर रही थी ना, उनकी बाजरा वगैरह की सफाई करती हैं, और उसके बाद जो है उस पिंजरे से मतलब थोड़ा बहुत गेट खुल गया और अम्मी जान को कोई और काम याद आ गया, तो उसके चक्कर में ना पीछे से मैं, आपको पता है मेरा एक पैरेट जो है मर भी गया है, फीमेल ब्लू कलर वाली जो आपको मैं ब्लॉग में मैंने दिखाई थी, 3 बचे थे, उसमें से जो है एक नर है ग्रीन कलर का, वो जो है अम्मी जान को ये किसी काम से चली गई तो वो उड़ के चला गया। अम्मी जान बोल रही है बाहर की तरफ जो है उड़ के चला गया। तो गाइज अभी जो है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और सबसे पूछना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर में जो है देख लेता हूँ। आपने इधर रूम में देखा है, इसमें इस रूम में देखा है आपने? नहीं था। तो गाइज अभी हम लोगों ने सारी जगह जो है चेक कर ली, मतलब कहीं से भी जो है नहीं मिल रहा, पता नहीं वो कहाँ किस तरफ उड़ गया है। कमरे वगैरह सारे घर वालों ने देख लिया है, फिर भी यार नीचे से देख लेते हैं बैठ के। नहीं यार यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। फाइनली जैसे ही मैं गया जॉब से घर आया हूँ ना, तो अमीन जान ने मुझे आया और अम्मी जान ने मुझे जैसे ही बताया तो भाई मेरे होश सारे खो गए और पागल हो गया आपका भाई। गजब बेइज्जती है, क्योंकि यार ये आपके भाई का शौक़ था यार, ये मेरा शौक़ था और मैं कब से जो है इनको अच्छी तरीके से पालता आ रहा था, अच्छी तरीके से ख्याल करता आ रहा था। अब जो है सिर्फ 2 बचे हैं, तो भाई अभी जो है मुझे जाना पड़ेगा बाहर और बाहर की साइडें सारी चेक करनी पड़ेंगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल छत पे देखते हैं, हो सकते हैं छत से नीचे की तरफ जाहिर हो जाए, तो छत की तरफ चेक करता हूँ। उसके बाद मैं जो है लोगों से घरों से पूछूँगा, हो सकता है किसी के घर भी चला गया हो तो घर में से पूछूँगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं जो है यहाँ से छत से जो है छत पे चेक कर रहा हूँ कि कहाँ चला गया। एक सेकंड यार, भाई अगर वो आगे की तरफ उड़ा है तो यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे उसने देखे होंगे, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे पालता है बंदा। बाकी इस घर में भी नज़र नहीं आ रहा, ये खाली घर है। तो गाइस अभी क्या करें यार, एक सेकंड यार चेक करना पड़ेगा, इस तरफ चेक करूँ, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा यार, कहाँ चला गया यार, इस तरफ भी नहीं है यार, बाहर की साइड भी नहीं है। अम्मी जान कह रही है कि हमारे पड़ोस में ना कुछ लोग रहते हैं तो उनसे भी पूछ लो, तो पूछना पड़ेगा, लाजमी बात है भाई, क्योंकि किसी को नज़र आया होगा उन्होंने पकड़ लिया होगा। अरे यार थोड़ी सी गलती की वजह से ना उड़ गया यार वो, अम्मी जान से थोड़ी सी गलती हो गई उसकी वजह से उड़ गया। अब मैं इस जंगल में से कहाँ से ढूंढूंगा यार, पता नहीं किस तरफ वो उड़ गया होगा। पड़ोसियों से पूछता हूँ, उस वाले घर से जो भी पड़ोस में घर है उन सबसे पूछता हूँ। पड़ोसी में आया हुआ है, इससे मैं पूछ रहा हूँ कि तोता वगैरह आया हुआ है, तो ये बता रहे कि नहीं आया, और दूसरा घर भी 3-4 घर है, मैं वहाँ से मालूम कर लेता हूँ, हो सकता है गली में आया हो वो, किसी ने उठा लिया हो, तो उससे ही पूछता हूँ। अभी 3-4 घर हैं और भी, मैं वहाँ से भी जो है मालूम कर लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चला? आपको नहीं चला यार, इसको पता नहीं चला, तो यार देखते हैं आगे जाके दूसरों से भी मालूम करते हैं कि क्या है यार। बहुत दुख हो रहा है यार, क्योंकि वो कब से उड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से पता नहीं, मैं तो जॉब पे था, अम्मी बता रही थी कब उड़ा किस टाइम उड़ा, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे ख्याल से 1-2 घंटे हो गए हैं यार, तो आगे जाके पता करता हूँ यार। पूछा भाई, बता रहे हमारे घर पर नहीं आया, दूसरे घर वाले से भी पूछा वो भी बता रहे नहीं आया, अब जो है बता रहे कि वहाँ पे जो है जो उनके घर दिखाया ना मैंने आपको, परिंदे वगैरह बैठे हुए थे, वहाँ चेक करता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया, सुबह से उड़ गया यार, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया छोटा वाला, इनके घर में होगा, हाँ उड़ा इसी तरफ से आगे की, यूं उड़ा है, चेक करते हैं भाई। ठीक है यार, मेहरबानी आपकी, काम कर रहे थे क्या आप? जी जी। गाइज मैं इन बच्चों से पूछता हूँ, वो इधर आ इधर आ इधर आ यार, बच्चों से मालूम करता हूँ, ये एक बच्चा है जो कि सारा दिन गली में जो है बैठा रहता है, तो
तो बच्चों से मालूम करते हैं, हो सकता है इसको पता है, पता हो सकता है किसी ने देखा हो। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ यार, तूने तोता देखा है? छोटा तोता, छोटा तोता देखा है ग्रीन कलर का? नहीं यार, अभी वहाँ जाना पड़ेगा, उसके पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो हो सकता है एक बर्ड दूसरे बर्ड्स को दिखता है तो वहीं जाके उतरता है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट करता हूँ। तो यार मैंने बुलाया हुआ है इसको, यार देखते हैं इसने देखा है, क्योंकि इसके पास अंदर काफ़ी ज़्यादा परिंदे बैठे हुए हैं, चेकआउट करते हैं यार। ये आप देख सकते हो यार, तू भी अपने घर में ना चेक कर लिए थोड़ा वो सही है, क्योंकि यार अब पता नहीं है ना, कहीं भी जा सकता है ना वो। यार ये तो आया हुआ है, चेक कर यार, साए कलर है देख। हाँ चेक करे तो बता थोड़ा दिस गया अंदर आले पे, तो बैठा हूँ आया हुआ छोटे दो मारे दो गर्म आया हुआ, पिंजरों खुली हुई ना, चार तोता है ना मोड़े को उड़ी हुआ, चेक करे बुदा मुझे। यार गाइस यहाँ पे भी नहीं मिला यार, ख्वार हो गया मैं तो यार, अब कहाँ से ढूंढूँ, अंधेरा होने वाला है। ये चेक करो यार, मगरिब का टाइम होने वाला है बिल्कुल, अभी जो है अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। यार इन अंकल वाले से पूछा है लेकिन ये बता रहे हैं यहाँ पे भी नहीं है, इधर झाड़ी वाड़ी में ढूंढा है। अब जो है मैं ये एक मकान है वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, ये वाला एक खाली मकान है, हो सकता है इसमें अंदर हो। नहीं यार इसमें भी नज़र नहीं आ रहा यार, ये मकान है, इसको अंदर से जाके चेक करता हूँ, हो सकता है यहाँ का हो। जो इस टैंकी में तो नहीं गया? नहीं यार इधर भी नहीं, थोड़ा बहुत उसको अंदर से चेकआउट करते हैं। और गया तो गया कहाँ यार आखिरकार? कहाँ गया कहाँ गया बेयारी, पर आए घर में घुस गया हूँ तोते के चक्कर में, बड़ा ख्वार हुआ हूँ यार मैं। मेरे घर के पीछे ये वाला मेरा घर है और उसके पीछे ये प्लॉट है, यहाँ पे भी चेक करता हूँ लेकिन यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है भाई। तो गाइस एक और बराबर वाले घर में आया हूँ, हो सकता है यहाँ पे हो लेकिन यहाँ पर भी कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। और सबके घर छान मार रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, और इधर भी नहीं है यार। तो गाइज यहाँ पर भी देख लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, पत्थर वगैरह मार रहा हूँ तो कुछ समझ में आ जाए, हो सकता है किसी पेड़ वगैरह में छुपा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। पूरा जो है मैंने इस घर में भी देखा है, सामने वाले में, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा यार। यार अभी इतने जंगल में कहाँ से मिलेगा यार, मैं तो चेक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा यार, ना ही आवाज़ कर रहा है, अब कहाँ से मिलेगा? मुझे नहीं लगता भाई, बोलना पड़ेगा यार, काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन इस जंगल में भी नज़र नहीं आ रहा यार, जान नहीं मिला, क्या कर सकता हूँ मैं, भूल जाऊँ हैं अमीन दूसरे तो लेता, लेकिन वो भी तो इतना प्यारा तोता था, कैसे खुश उसको मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, मतलब कैसे गुम हो सकता है यार, आप लोग समझ सकते हो फीलिंग होती है यार किसी के साथ। बात तो सही है यार, इनका साथ ही ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं यार। एक ना ये जैसे ग्रीन लग रहा है ना, वो भी इसी तरह की था लेकिन वो फुल ग्रीन था यार, शिट यार अब क्या करें यार, अब जाके इतना ढूंढे, आप पसीना चेक कर सकते हो मेरा, मैंने घर पड़ोसियों के घर छान मारे, पीछे सारा एरिया ढूंढा, लड़कों से बच्चों से सबसे पूछा लेकिन भाई कोई पता नहीं है, कोई चांस नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ यार। ओए शाबा 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 भाई, भाई लोगों का अभी परिंदा जो है वो गुम हो गया, वो भी अपने पकड़े वहाँ पे, वो ना पेड़ में दे। आज परिंदे भागने का दिन है क्या? मेरा भी तोता भाग गया इधर यार, इधर भाइयों का भी ये परिंदा पता नहीं क्या भागा हुआ है, आज परिंदे भागने का दिन है भाई। मेरा तो खैर नहीं मिला, इनको मिल गया सामने, पकड़े वो वहाँ पे सामने जो है। अरे वो निकल गया। शाबा शाबा शाबा, घेर लो भाई।
पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, फाइनली पकड़ लिया भाई। तो गाइस बहुत ढूंढा, बहुत यार, पूरे जो भी मेरे इलाके में घर थे, आस पड़ोस में दोस्त यार, बच्चे बड़े, सबसे पूछा और सारी जगह छान मारी, तो भाई नहीं मिला यार। मेरा पेरेंट्स बेचारा आया तो वो आज बड़े हवाओं में एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन यार मुझे फिर भी पता नहीं, इस दिल में फील हो रहा है कि वापसी आएगा, लेकिन मुझे ऐसा तो नामुमकिन हो ही नहीं सकता। तो बस यार अभी खैर है यार, क्या कर सकते हैं, अभी यार उड़ गया, जिसको जाना था वो गया, उड़ गया, पता नहीं कहाँ चला गया यार। बस यार अभी भी अभी बस यार क्या बोलें, ज़्यादा तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या बोलूँ मैं आपको। बस यार अम्मी जान ने खाना वाना मेरे लिए बनाया है, वीआईपी वाला, तो खाना वाना खाते हैं और फिर जो है कल की तैयारी वगैरह करूँगा, काम पे जाना है मुझे। तो बस यार इस ब्लॉग को यहाँ पे करने लगा हूँ एंड। अगर अभी तक अपने सोहेल लजीब ब्लॉग्स को एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यार आप लोगों ने तो एंजॉय किया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बैड न्यूज़ थी, बड़ी बुरी बात थी मेरे लिए तो। और बस यार बस आप लोग को एंजॉय होना चाहिए, बस यार आप लोग एंजॉय किया करो। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगा हूँ एंड, और अभी तक तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।